आज की क्लास में एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो ये पता है आपको, सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसको समराइज कर रहे हैं। और एक और यहाँ पे टर्म आएगा आपके पास जिसको समझना है, और जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एल्वियोलाई के एक इमेज से समझते हैं इसको। ठीक है, एल्वियोली भी कहते हैं और एल्वियोलाई भी कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, मतलब अगर एक है तो एल्वियोलस हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है प्लूरल अगर आपको करना है तो वो एल्वियोलाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है यही डायरेक्टली मैंने आपको इस दे भी शो करा था, यही इमेज है। ठीक है, इस एक इमेज को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। क्या बोलने का मतलब है कि अगर ये एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज भी हैं। तो बोलने का एक ये भी मतलब है कि एल्वियोलाई क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा तो सही, लेकिन करके ये देगा किसको? जैसे अगर ये ऑक्सीजन लेता हुआ आ रहा है ऊपर से, ऊपर से बोलने का मतलब ये है, पता ही आपको, नेजल पैसेज के थ्रू, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद ये कहाँ देगा? एल्वियोलाई को लाके देगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि लिख भी रखा है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, कि ये जो एल्वियोलाई है ये एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। अब गैसेस एक्सचेंज जब हम बोल रहे हैं तो कौन सी गैसेस हैं? तो गैसेस है आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि ये सेम एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी आपको दे रखा है, और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको समराइज कर रहे हैं, इतना ही काम हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये किस किस के बीच में हो रहा है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होगा। यहाँ नहीं दिख रहा आपको? ब्लड और टिश्यूज के बीच में बोलने का ये मतलब है कि आपको यहाँ जितनी ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं, अगर ये यहाँ से ले जाने का काम कर रहा है तो ले जाके ये ऑक्सीजन करेगा क्या? तो जितने आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, पार्ट्स बोलने का मतलब पार्ट होगा तो टिश्यूज होंगे, टिश्यूज होंगे तो सेल होगा, तो हर एक टिश्यू को आप ही के बॉडी का ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और एक्सचेंज क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही चीजें हैं, तो यहाँ अभी आगे जाके हम लोग सबसे बड़ा रोल पढ़ने वाले हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, यानी ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर ऑक्सीजन सिर्फ अवेलेबल किया जा रहा है या उसके साथ साथ बराबर बराबर कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल किया जा रहा है, तब हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की होती है। तो यहीं पे जाके बात जो है वो फंसती है। बोलने का ये मतलब है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा दिया जाएगा उसके साथ आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करेगा। तभी यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बातें आती हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपके बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको सुनने को सीखने को मिलेगा कि अगर कहीं किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहां तो ऑस्मोसिस ही हो जाएगा,
और अगर वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो रहा है तब हम वहाँ पे डिफ्यूजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मेम्ब्रेन को बहुत मोटा करें, बहुत थिक करें, तो क्या गैसेस एक्सचेंज के रेट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखें। अगर मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कि अगर इसका जो मेम्ब्रेन है कल को जाके ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, तो जब ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, जैसा कि किस केस में होता है और किस कंडीशन में होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो एल्वियोलाई के सारे पोर्स जो है वो धीरे 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 क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके घरों में जो चाय छनती है ना, चाय छनने वाली जो छन्नी होती है, ठीक है, उसमें आपने नोटिस करा होगा धीरे 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 चाय की पत्ती जो है वो उसमें एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद आपको ऐसा फील होता है कि ये तो बिल्कुल खराब ही हो गया है, एक बार इसमें चाय डालो तो हमें 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है कि ये नीचे जाए। ठीक वैसा ही आपके एल्वियोलाई के साथ भी होता है, ये जो एल्वियोलाई आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये क्योंकि एक्सचेंज सरफेस है तो एक्सचेंज सरफेस को क्लीन होना भी जरूरी है, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्सचेंज आप करा सकते हैं। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो स्मॉल पी और ओ टू लिखेंगे, और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे यहाँ पे तो हम स्मॉल पी और सीओ टू लिखेंगे। जैसे केमिस्ट्री में कैसे आप कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं तो सी लिखते हैं, और किसी चीज़ से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमोस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर हम यहाँ पे समझना चाहें, हाँ, इस टेबल को समझने के लिए, ये जो आपके पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल को सबसे अच्छा समझने के लिए मैं एक और डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद वापस हम इस टेबल पे आते हैं, ठीक है। एक और आपके पास है डायग्राम, उसको समझाती हूँ मैं आपको। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इसको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे प्रॉपर शेप दिया गया है तो सेम इसी शेप का और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही एल्वियोलाई होगा। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जैसे कैसे हम लोग किसी चीज़ को कहीं रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन मात्र है और कुछ मतलब नहीं है इसका। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, साथ साथ बच्चों से पूछा जाता है वहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज का जो स्कीम है उसको आपको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। क्रिस्टल क्लियर यही लिखा ही होता है वहाँ पे, मेंशन ही होगा आपको कि जो स्कीम है इसका उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है एज इट इज, ठीक है। तो इसको मैं समझाती हूँ आपको, देखिए सबसे जो पहली चीज है यहाँ पे, तो इस डायग्राम में पहले कहाँ क्या है वो समझा दूँ मैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। ये यहाँ पे एक सिंगल एल्वियोलाई को शो किया जा रहा है, सिंगल तो होता नहीं, आपको भी पता है न्यूमरस होता है, नंबर में, क्योंकि सिंगल शो किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एल्वियोलस मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, ये वापस डायग्राम मैं आपसे पूछूंगी जब मैं आपको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया है कि ये पार्ट अगर हम नहीं कर रहे हैं, सोच रहे अच्छा कोई बात नहीं ये थोड़ा मिस हो गया तो हम अगले चैप्टर को बहुत अच्छा कर लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर 17 जो है आपका उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है चैप्टर 18, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड आपको दिख रहा है पल्मोनरी वेन और दूसरे साइड आपको दिख रहा है आर्टरी,
तो 10th क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका डिफरेंस नहीं पता, और नहीं पता है तो यहीं से चीजें गड़बड़ होनी स्टार्ट होंगी। फिर आप एग्जाम में लिखेंगे वेन की जगह आर्टरी लिख के आएंगे, आर्टरी की जगह वेन लिख के आएंगे, फिर आप बोलेंगे टीचर ने हमें नंबर ही नहीं दिया, जबकि दोनों में यहाँ पे क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो जब हम यहाँ वेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेन क्या है, क्योंकि हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम इसको, पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, जैसे ये जो है इसको यहाँ से वापस उठा ही लेती हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये जो एल्वियोलाई नजर आ रहा है, तो जब एल्वियोलाई है तो इसी एल्वियोलाई का क्या काम है, इसी एल्वियोलाई का काम है गैसेस एक्सचेंज करना। तो ये जो एल्वियोलाई है, तो ये जो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट करेगा और कर रहा है, तो ये जो ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, अपने पास तो रखना नहीं है ना इसको, ये जो एल्वियोलाई है तो इसने जो यहाँ पे ब्लड की जो कैपिलरीज को अपने चारों तरफ इसने सराउंड करके रखा हुआ, तो ब्लड ने जब रिसीव किया ऑक्सीजन को, दिस वन एंड दिस वन, यानी ये यहाँ है। अगर हम इस वेन की बात करें तो ये वेन क्या है, यहाँ है, इसके साथ भी लिपटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन सबसे पहले आप जहां बैठे हैं वही नोटबुक में नोट करेंगे, पल्मोनरी वेन सामने लिखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, नोट कर लीजिए, पल्मोनरी वेन लिख के आप वहीं पे नोट करेंगे। ऐसे कर लेना, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला आपको नोट करना है पल्मोनरी वेन, लेक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसको नीचे लिखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। एक और इसमें ट्रिक छिपा हुआ है जो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लिखना सीख जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ वापस। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी वेन। फिर सवाल ये उठता है, देन व्हाट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो वापस ये ले जाके किसको देगा, वापस यहाँ पे ले जाके देगा इसको, एक देखिए यहाँ पे रेड कलर से आपको मार्क किया जा रहा है, ब्लू कलर से। अब आपको रीजन समझ आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि हम इतने दिन से इसको देख रहे हैं, इसमें एक रेड है और ब्लू, दो तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्शन जो है वो शो किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी वेन जो है दोनों चीजें यहाँ पे शो करी जा रही है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब ही लंग होता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, इसको कुछ याद करना हो रटना हो कुछ भी वैसा नहीं है, इसमें पल्मोनरी का मतलब ही लंग होता है। ठीक है, तो हमने उसमें वेन में हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा था, यहाँ हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स कर देते हैं, यहाँ भी लंग्स कर देते हैं, लंग दो है आपके पास, हार्ट तो एक ही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई, लेकिन फिर आगे आपको एक और सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, मैं इसको पहले कोशिश करती हूँ थोड़ा क्लियर करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए।
ये हो गया। हाँ तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन में फर्क पता चला आपको। अब होना ये है कि अब यहाँ पे वापस सिस्टेमिक आर्टरीज आएंगी, सिस्टेमिक आर्टरीज। तो आर्टरी जो है, तो आर्टरी का काम अब क्या हो जाएगा इसका? अभी हम आर्टरी यहाँ पे क्या बोल रहे थे, अभी जो हम आर्टरी बोल रहे थे तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, फिर यहाँ पे आर्टरीज आएगा, फिर हम बोलेंगे फ्रॉम हार्ट टू, लेकिन टू बदल जाएगा, टू क्या हो जाएगा, बॉडी टिश्यूज। तो अब आपको एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, कि आपको एक ट्रिक बताया जाता था कि अगर आपको आर्टरी याद करना और आर्टरी समझना है तो आर्टरी का मतलब आपको सिंपल सी बात क्या समझनी है, अवे फ्रॉम द हार्ट। याद आया? आप जब अर्लियर क्लासेस में पढ़ते थे आर्टरी वेन में बच्चे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद करते हैं कि अगर टुवर्ड्स द हार्ट है तो वेन हो जाएगा, अगर अवे फ्रॉम द हार्ट है तो आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पल्मोनरी वेन लिखा और एक पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे बात किसकी आती है जब ये लिख ही लिया है, तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सिस्टेमिक वेन्स के बारे में। ठीक है, देन हो जाएगा सिस्टेमिक वेन्स। अब ये वेन्स जो है इसका क्या काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से, या फिर सिस्टमिक आर्टरी पहले कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेटेड वाली सीरीज को एक साथ करते हैं आर्टरी, क्योंकि अभी अभी लंग से हार्ट ने लिया, फिर ये क्या करेगा, किसको देगा, सिस्टेमिक आर्टरी को देगा। तो सिस्टेमिक आर्टरी के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसको बोला जाता है कि भाई तुम एक काम करो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुमने लिया है उसको तुम्हें क्या करना है, उसको दे के आओ, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल हैं, सबको वापस तुम्हें देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज। समझ आया? बॉडी टिश्यूज को ये देगा, हार्ट टू बॉडी टिश्यूज। और इसमें आज के बाद से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर आप कंफ्यूज कर गए तो 18वां चैप्टर जो है ना आपका, 18th, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब फिर वो करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो चैप्टर ही यूजलेस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक है। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको उसमें कंफ्यूजन होगी, तो मैंने इसलिए बता दिया इसको, क्योंकि ये तो अभी वैसे भी आपको समझ में नहीं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टेमिक वेन। अब ये जो सिस्टेमिक वेन्स है, क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी तो बॉडी टिश्यूज तक लेके गए ना आप, आपने खुद ही अभी ट्रांसपोर्ट कराया, हार्ट को बोला कि ठीक है तुम बॉडी टिश्यूज को ले जाके दो, तो बॉडी टिश्यू अपने पास स्टोर करके थोड़ी रखेगा, बॉडी टिश्यू बोलेगा ये लो मेरा मेटाबॉलिज्म का काम हो गया, लेते जाओ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से। ठीक है, तो सिस्टमिक वेन के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, जो डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको फ्रॉम बॉडी फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, टिश्यूज टू हार्ट। हाँ टिश्यूज टू हार्ट ले जाके देगा, बोलेगा ये लो भाई हो गया मेरा काम। ठीक है, फिर ये सर्कल घूमेगा, ये साइकिल है, दिखा आपको, समझ आई मेरी बात, ये एक्चुअली में क्या है, इतने देर से जो मैं आपको बता रही हूँ साइकिल है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको ये समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए, तो इसको ये लिखा है ना मैंने, इसको रेफर, ये आर्टरीज और वेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, रिप्लाई करेंगे उधर से, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को,
चलिए इसको सुनो। तो अभी जो भी है यहाँ पे, वेन है क्रिस्टल क्लियर, पल्मोनरी आर्टरी क्लियर, सिस्टमिक वेन्स क्लियर, सिस्टमिक आर्टरीज क्लियर, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर जब बाहर से इसने ऑक्सीजन लिया है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अब जो बोल रही हूँ वो टेबल इसी को बनाया हुआ है वहां पे, ये समझ गए? अपने आप ऑटोमेटिक बिना देखे आप खुद अपना टेबल बना सकते हैं, उसको रटने की जरूरत तो कभी भी नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो एल्वियोलर एयर मतलब लंग ने अभी तुरंत लिया है, ठीक है। जब लिया है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है आपका 104 mmHg। हम लोग हमेशा यहाँ पे प्रेशर को मर्करी में क्यों काउंट करते हैं या मर्करी में क्यों मेजर करते हैं, कोई आंसर करेगा मुझे? हम वाटर भी ले सकते थे, मर्करी में क्यों काउंट करते हैं हम लोग? आंसर करना है किसी को? मर्करी वाटर से 13 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमेशा आप देखेंगे उसको mmHg में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 104 है mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, 104 और 40। कहाँ है ये? एल्वियोलाई में। कहाँ है ये? एल्वियोलाई में, ठीक है। ये रहा आपका 104, 104 और 40। तो ये गैप बहुत ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन एल्वियोलाई ने लिया क्यों, क्या पड़ी थी इसको, क्यों लिया इसने? इसलिए लिया कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो 159 mmHg क्या कैरी कर रहा था ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.3। तो ज्यादा कौन था? ऑक्सीजन था, तो चला गया अंदर। अंदर चला गया तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऐसा तो है नहीं, भले आपने पिछली क्लास में पढ़ा, चाहे टाइडल वॉल्यूम हो, चाहे जो सा भी हो, चाहे कैपेसिटी हो, लंग कैपेसिटी हो, टोटल लंग कैपेसिटी हो, जो सी भी कैपेसिटी आप पढ़ रहे थे, तो किसी कैपेसिटी में कहीं लिखा हुआ था या कहीं मैंने ऐसी बात बोली कि हाँ भाई ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं होगा? मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 40 है, फिर क्या हुआ? इस पल्मोनरी वेन ने गेट पे दोनों को रोका, ऑक्सीजन को भी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को रोकने के बाद इसने क्या बोला? बोला हाँ भाई दोनों अपना अपना आई कार्ड दिखाओ कि क्या रैंकिंग है। बोला अच्छा ऑक्सीजन 104 है, ये बोलेगा ऑक्सीजन को ठीक है तुम चलो जाओ, इन कर गए तुम, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ से आगे चला, आगे चला तो चलने के प्रोसेस में आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को हर हालत में हर कंडीशन में ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से अंदर तक जाते जाते जब सिस्टेमिक आर्टरीज की बात आती है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मात्र 95 रह जाता है, 104 की बजाय कितना हो गया, 95। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 था, 40 ही है। फिर क्या हुआ, बॉडी टिश्यूज ने खुशी खुशी वेलकम किया ऑक्सीजन को, बोला हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है इसको कंज्यूम किया बॉडी टिश्यूज ने, और बॉडी टिश्यूज ने कंज्यूम करने के बाद, जैसे कैसे आप मार्केट से सब्जी खरीद के लेके आते हैं, मटर खरीद के लाए तो उसको छीलते हैं, गोभी खरीद के लाए तो पीछे वाला पार्ट काट के हटाते हैं, मतलब किचन का एक पूरा काम हो जाने के बाद, अनियन यूज कर रहे हैं तो छिलका हो गया, पोटैटो बॉईल करके कुछ बना रहे हैं तो उसका छिलका हो गया। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करते हैं कि उसमें आपके किचन में कुछ ना कुछ
या बहुत कुछ, जैसा आपका काम होगा उसके हिसाब से वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जब वेस्ट इकट्ठा होता है तो हम लोग यहाँ पे ठीक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ आपके पास जो क्या है, बॉडी टिश्यूज है, इसने पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है लगाया अपनी प्रोसेसिंग करने में। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या हुआ, जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मात्र 40 है यहाँ पर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना है, 45 है। तो ये अगर हम बीच में एक बाउंड्री लाइन डाल दें ना, तो इस बाउंड्री लाइन के अगर हम ऐसे बात करें, एक्चुअल अगर हम देखें तो एक्चुअल में आपको जो राइट दिख रहा है वो लेफ्ट है, और जो लेफ्ट दिख रहा है वो राइट है, फ्रंट व्यू की हम बात करें। लेकिन अभी आपको जो दिख रहा है, तो इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या अगर मैं आपको बताऊं डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या दिख रही होगी, या कौन सी चीज़ आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, कि इसके राइट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। ट्रिक याद रखेंगे हमेशा, इधर जब तक ये पिंक रेड जो सा भी कलर आपको दिख रहा है, इस साइड में हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ज्यादा रखना है, और लेफ्ट साइड में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रखना है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा ये, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 40 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स 45। ठीक है, अब जाके पहले तो 40-40 चल रहा था ये, इसमें याद करने में कॉम्प्लिकेशन है कहाँ, आसान तो है। जब एल्वियोलाई के अंदर गया तब आपने बोला अच्छा ठीक है चलो 40 है, फिर आप जब बॉडी टिश्यूज को दे रहे हैं तब भी क्या है, 40 है, फिर पूरे ऑक्सीजन को खपाने के बाद, यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट बिकम्स 45 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स 40। तो 40 वाला हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, फिर जब यहाँ पे वापस गया तो इस पॉइंट पे क्या दिखा, कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो चिपक के बैठा है एल्वियोलाई के साथ, इसने बोला भाई ऐसा है मेरे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ले ही ले तुम। इसने क्या किया, एल्वियोलाई को दिया और एल्वियोलाई ने वापस भेज दिया लंग के पास, बोला चलो जाओ यहाँ से, अब सीधा यहाँ से बाहर हो जाओ। ठीक है, इसको ये जो मैंने आपको अभी अभी इतनी एक्सप्लेनेशन दी है, इस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये टेबल शो किया गया। ठीक है, अब इस टेबल को देखिए ध्यान से, हर एक चीज इसमें से क्रिस्टल क्लियर होगी आपको। अब कोई भी ऐसी चीज इस टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपको रटना पड़े, या ऐसा लगे कि हम जब तक रटेंगे नहीं हम समझेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये टॉपिक देखिए, इसको समझ के देखिए, ये आसान सा हो गया आपके लिए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस आपके पास दो ही हैं, यहाँ ऊपर में ऑक्सीजन है और नीचे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमोस्फेरिक एयर में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 159 और कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 0.3 है, जिसकी वजह से ये आसानी से मस्ती से इन कर जाएगा आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाता हुआ, ये फिर आगे 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 को लीड करेगा। फिर जब लंग के आखिरी छोर पे, मतलब एल्वियोलाई पे ये पहुंचेगा, तो एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद फिर ये कितना रह जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो 40 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 104 है। तो फिर जो ऑक्सीजनेटेड, इसके बाद यहाँ देखिए ये वाला कॉलम, बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ कि एल्वियोलाई के बाद क्या जरूरत है सीधा डीऑक्सीजनेटेड बनाने की, एल्वियोलाई के बाद आप ऑक्सीजनेटेड वाला लिखिए, तो इससे क्या होगा, गलती नहीं होती कभी भी, जरूरी थोड़ी इसने जैसे टेबल बनाया वही बनाना है, सही होना चाहिए बस, तो इवोल्यूशन की सीरीज तो लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके पास, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना हो गया यहाँ पे, 95, और ये तो 40। तो इसका फायदा क्या होगा कि 40-40 याद रहेगा आपको, फिर जैसे ये कॉलम बाद में बनाएंगे तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो 40 को कर दीजिएगा ऑक्सीजन में और इसको खुद 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम लोग टिश्यूज में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, टिश्यूज में, भाई जो डीऑक्सीजनेटेड है वही तो टिश्यू होगा ना, कॉमन सेंस लगाइए अपना, ये तो
ऐसी कॉलम बढ़ाने वाली बात होगी। जब डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आप जा रहे हैं तो ये सारा गेम किसका है? तो बॉडी के जो पार्ट्स और टिश्यूज है इसी का तो सारा गेम है। तो देखिए ये 40-45, 40-45, ये दोनों सेम है। टेबल याद हुआ सबको? ये टेबल याद हुआ सबको? यस मैम। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब हर एक बच्चा ये टेबल बिना देखे बना सकता है? ऑनेस्टली बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस डायग्राम का और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है जो आपको आगे जाके मतलब ये 18th चैप्टर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ पे भी आपको ये सुनने को मिलेगा, ठीक है? उसमें भी है। जब किडनी का रोल मैं पढ़ाऊंगी वहाँ भी बताऊंगी मैं, वापस उससे भी कोरिलेट करके बताऊंगी, ठीक है? तो अब देखिए इसके आगे बढ़ते हम लोग। छोटा सा टॉपिक है और इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक ये है कि जो आपके पास एक्सचेंज सरफेस है। एक्सचेंज सरफेस क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज सरफेस में, एल्वियोलाई भी है। एल्वियोलाई होने के साथ साथ जो ब्लड कैपिलरी है उसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, समझिए ध्यान से, समझ तो आएगा ही आएगा। इसको देखिए, देखिए समझेंगे इसको ध्यान से। जो मैं ना इतने टाइम से आपको एक पॉइंट बार बार रिपीट कर रही थी उसको मैं वापस बोल रही हूँ। मेरा यहाँ पे ये पूछने का मतलब है कि अगर ये जो एल्वियोलाई है और ये आपके पास ब्लड की कैपिलरी है, पूरा कंप्लीट पहले समझेंगे ये क्या है। ब्लड की कैपिलरी है मतलब इस कंप्लीट थिकनेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन को आपको इस ब्लड स्ट्रीम को देना है तो इसको एल्वियोलर वॉल को भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसको जो ब्लड की कैपिलरी है उसके भी एक वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये आएगा ब्लड की कैपिलरी के अंदर, ठीक है? तो ये जो है आपका यहाँ पे, इसको ये सरफेसेस है ना, ये क्रॉस करना है। रीजन ये है कि अगर ये क्रॉस नहीं करेगा तो फिर डिफ्यूजन का रोल क्या हुआ फिर? और अगर इसकी थिकनेस को हम यहाँ पे कम ज्यादा करेंगे तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा हमारे रेस्पिरेशन के रेट पे, तो बिल्कुल पड़ेगा। तो एल्वियोलाई में एक आपको यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है ये एल्वियोलर वॉल है, ये मतलब एल्वियोलाई की वॉल है, ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है। ये क्लियर हुआ सबको पहले? ये क्या है? एल्वियोलाई का वॉल है, ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है।
कोई अगर आपसे पूछे कि एक बात बताओ, ये एल्वियोलाई जब गैसियस एक्सचेंज करता है तो कितना पतला होता है? कोई ऐसा थोड़ी पूछेगा कितना मोटा होता है। जब ऐसे पूछेगा तो फिर डिफ्यूजन कैसे कराएगा ये बेचारा? ऑब्वियस से कोई यही पूछेगा आपसे कि बताओ ये कितना थिन होता है। इसकी जो थिकनेस है वो मात्र वन सेल थिकनेस होती है, मतलब एक सेल। सेल कितना माइक्रोस्कोपिक होता है, तो मात्र एक सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल जोड़ के जो आप एक मेम्ब्रेन बना दे तो उतनी ही थिकनेस होती है। किसकी? एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन की। फिर बात करते हैं आगे, तो ये ब्लड की कैपिलरी और ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, इसके बीच में ध्यान से नोटिस करेंगे यहाँ पे ना एक येलो सब्सटेंस हमने भर के रखा हुआ है, इसको हम बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ द बेसमेंट सब और बेसमेंट सब्सटेंस बायो में 1000 प्लेसेस क्या आता है, तो अगर यहाँ का बेसमेंट सब्सटेंस पूछना है किसी को तो वो लिखेगा कि बेसमेंट सब्सटेंस इन लंग्स, ऐसे ही पूछ ले आपसे। तो बेसमेंट सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई या द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरी, इन दोनों के बीच में जो भरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। मतलब अगर सबको जोड़ जाड़ देना हम, ये एल्वियोलाई का भी वॉल है, बेसमेंट सब्सटेंस भी है, कैपिलरी का भी मेम्ब्रेन है, तब भी ये बेचारा जो है ना टोटल 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं हो पाता। ये इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी क्या है, तीनों के तीनों कम है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे लंग में इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि इजिली हमारा लंग जो है वो गैसियस डिफ्यूजन को लीड करता है। ठीक है। दूसरी बात ये है यहाँ पे, अभी जो पूरा रोल आपने सीखा तो आपने किस चीज के बारे में सीखा? हाँ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑक्सीजन इन करेगा। एंट्री एंट्री हर जगह उसी को दी जाएगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो मैं शुरू में ही आपको बोल रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर हम सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के मुकाबले में यहाँ पे मजबूत कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पे क्या करेगा, ये 20 से 25 गुना ज्यादा क्षमता रखता है ब्लड में जल्दी सोल्युबलाइज होने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर तो ऐसे तो हमारे सेल का कोई मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा। तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो उसी के लिए हर चीज को कैसे फेवरेबल फॉर्म में किया गया है, तो पार्शियल प्रेशर को ज्यादा रखा जाता है ऑक्सीजन के। देखिए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, जो कि अभी भी मैंने आपको बोला है। पहला है यहाँ पे एल्वियोलाई का ये जो मेम्ब्रेन है। अच्छा, छोटी क्लासेस में आप लोग तो 7th 8th के बच्चे ही पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। जब स्क्वामस एपिथिलियम पढ़ते थे तो कोई कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताइए कि स्क्वामस एपिथिलियम का क्या गुण होता है, क्या फीचर होता है, क्या कैरेक्टर पढ़ाया आपने? स्क्वामस एपिथिलियम की क्या खासियत पढ़ी आपने, ताकि आपको हमेशा याद रहे, रखने की कभी जरूरत ना पड़े कि एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन में कौन सा लेयर होता है, कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा सेल होता है। तो अगर स्क्वामस प्रेजेंट है तो स्क्वामस की क्या खासियत, कोई खासियत होगी तभी तो प्रेजेंट है ना यहाँ पर।
कोई भी रिप्लाई करेंगे उधर से? हाँ देखिए, एक आप क्या पढ़ते थे कि अगर स्क्वामस एपिथीलियम है तो स्क्वामस एपिथीलियम की खासियत ये है ना कि वो कहीं भी ना, मतलब शीट होता ना, एक मेम्ब्रेन कवरिंग, तो वो शीट बनाने का काम करता है। और इसमें भी आपने पढ़ा था क्यूबॉइडल, तो और भी बहुत सारी चीजें। और अगर ये कैसा है, स्क्वामस एपिथीलियम है, तो इसका काम क्या है, ये जुड़ जुड़ के और साथ में एग्रीगेट होके, ये कहीं पे ना, जैसे कैसे पतली सी किसी चीज की कोई फिल्म होती है, कोई शीट होती है, वैसा शीट बनाने का ये काम करता है। तो ऑब्वियस है कि इतने फाइन कवरिंग और लाइनिंग के लिए हमेशा हर जगह पे हम लोग स्क्वामस एपिथीलियम का यूज करेंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, स्क्वामस एपिथीलियम की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। स्क्वामस एपिथीलियम की खासियत क्या होती है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। इतना अगर आप याद करेंगे तो आगे आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि जो एल्वियोलाई का जो वॉल है वो स्क्वामस एपिथीलियम को कैरी करता है, आपको ऑलरेडी याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमने यहाँ पे लेयर क्या देखा, यहीं से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, आपको जैसे लिखना आप लिखिए। सबसे पहले क्या है यहाँ पे आपके पास, स्क्वामस एपिथीलियम का एल्वियोलर वॉल है। ठीक है, फिर क्या है आपके पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये सब के सब ना, इतना कम इन्होंने थिकनेस रखा हुआ है कि ये सब मिलके किस चीज को फेवर करते हैं, तो ये सब मिलके इस चीज को फेवर करते हैं कि हाँ, हम हर तरीके से तैयार हैं क्या करने के लिए, मोर एंड मोर एंड मोर ऑक्सीजन ऑफ गैस कराने के लिए। जो गैसेस अवेलेबल है, अगर हम इसको मोटा कर दें, थिक कर दें, जैसे मैंने आपको स्मोकिंग वाले पेशेंट्स ही हो गए, वो जब स्मोकिंग करते हैं तो और क्या बोल सकते हैं, अगर उनके बारे में हम जिक्र करें, पेशेंट्स के बारे में, मतलब जो ह्यूमन है जो स्मोकिंग का काम करते हैं, तो वो डे बाई डे पता है कर क्या रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर वो एक एक्यूमुलेशन करते चले जा रहे हैं। तो ये बेचारा क्या होगा, ये फिल्टर जो आपका है ये खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तो फिर इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा। जब हार्ट खराब हो जाएगा फिर किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा। भाई सब खराब ही हो जाएगा तो बंदा जिंदा कैसे रहेगा फिर, है ना? तो ऑब्वियस है कि धीरे 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 करते करते ये क्या करता है, बहुत सारे तरीके से ये अपने आप को या फिर उस ह्यूमन को अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कुछ छोटा सा जो फैक्ट पॉइंट है वो हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो शॉर्ट में बस आप इतना लिख सकते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसमें आपने क्या सीखा, मेजर लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं। नंबर वन है आपके पास वॉल ऑफ एल्वियोलाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मेडअप ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम। आज के बाद से कभी नहीं भूलेंगे, स्क्वामस एपिथीलियम या एपिथीलियल टिश्यू, जो लिखना लिखिए, याद होना चाहिए बस, स्क्वामस एपिथीलियम का ये बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे बार बार बोल रहे थे कैपिलरी के बारे में, तो अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है,
एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एल्वियोलाई के पास है तो और क्या बोलेंगे, एल्वियोलर बोलेंगे। देन नेक्स्ट लिखेंगे, तो दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस कर लीजिए, भरा होगा उसके बीच में प्रेजेंट बिटवीन देम। इसमें कोई दिक्कत किसी को, याद हो गया सबको, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? एक कंक्लूजन में लिख लीजिए, द थिकनेस ऑफ ऑल दीज लेयर्स मच लेस देन मिलीमीटर, क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है कि एक्सचेंज को फेवर कर रहा है ये, ठीक है। फेवरेबल और एक्सचेंज ऑफ नहीं होगा इतना पतला, तो एक्सचेंज होना भी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इसमें इतनी कम थिकनेस है इसकी। आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। अच्छा, ये जो सब हम पढ़ रहे हैं इसका मीडियम क्या है? ये जो पूरा एक्सचेंज वगैरह सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, इसका मीडियम क्या है, किसके थ्रू होगा? ब्लड और कौन करेगा, है ना? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, चलो बताओ किस माध्यम से होता है, क्या मीडियम है, कैसे होता है? ब्लड, खत्म, ठीक है, ब्लड से होता है। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करता है ये? O2 एंड CO2, तीसरा तो कुछ नहीं करता, खत्म। फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि RBC कितना ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब RBC जो है ये कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है? RBC ट्रांसपोर्ट 97% ऑफ O2, ठीक है। देन फिर बाकी का 3% का क्या होगा? तो ये प्लाज्मा में ना डिसॉल्व मैम, प्रिजर्व्ड इन प्लाज्मा। तो फिर आगे कर लीजिए, रेस्ट 3% कैरीड इन अ डिसॉल्व स्टेट टू द प्लाज्मा। हो गया ये, ठीक।
फिर आगे जब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, फिर वही बात, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा बोलने का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसको मैं काम करती हूँ, ये जो है ना ऑक्सीजन का, इसको बना दीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ठीक आरबीसी ट्रांसपोर्ट, अगर हम इसको CO2 बना दें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बनाएं तब ये 20 से 25, अब देखिए 97 था, बट 97 की बजाय यहाँ पे ये डेटा चला जाएगा 20 से 25% तक, 20 to 25%। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई जब ये 20-25% ही है तो बाकी और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो इसमें से 70% जो है वो एज अ बाई कार्बोनेट घूमता रहता है। 70% 70% ऑफ एट खरीद खरीद एज बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में वो मूव करेगा, लेकिन अभी भी ना 5 से 7% अभी भी बच रहा है, ठीक है। फिर हम वही बात बोलेंगे इसके बारे में, जैसे हम सबके इसके ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे थे, तो ये भी जो रेस्ट 7% जो बचा हुआ है ये किसके थ्रू करेगा, ये भी डिजोल्व प्लाज्मा में रहेगा। नीचे एक लाइन है यहाँ पे, ये कर लेते हैं, फिर जो बच गया 7% CO2, डिजॉल्व स्टेट, प्लाज्मा। चलिए हो गई है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नमस्ते। इसके आगे जो आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एक ग्राफ समझाते हुए समझना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तब तक इसको करेंगे, आज भी आपने दो, ये लास्ट वाले को तो अगर एक छोटा सा टॉपिक काउंट करते हैं, तो पहले आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन सीखा है, उसके बाद आपने वो पार्शियल प्रेशर का आपने टेबल सीखा है, और देन आपने वो फेवरेबल कंडीशन सीखे हैं कि कितना ज़्यादा वो थिन है, तीनों की तीनों लेयर मिलके कि वो आपके ब्रेदिंग को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सब तैयार करके रखेंगे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट डे कंटिन्यू कराती हूँ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो मैम, नो मैम। चलो,